जाइए प्रदेश पुरंत अज असं तुम्हें लेके चल रहे हैं माइक्रो ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ आयल्स एंड इमीग्रेसन सर्विसिज जो कि अकालसर चौंक मोगा विखे स्थित है। इतने बच्चों आयल्स पीटी टॉयफल की कोचिंग दी जाती है। इस दे नाल नाल बाहर जाने वाले विद्यार्थियों लिए स्टडी वीज़ा विजिटर वीज़ा तो वर्क परमिट की फैसिलिटी भी मौजूद है। माइक्रो ग्लोबल अज के टाइम एक ब्रांड बन चुका है। इतों के एम डी चरणजीत सिंह चंडियाना जी बहुत ही अंथक मेहनती इंसान है तो उन्होंने अपनी जिंदगी का हुण तक का सारा समा सेवा विच लगाया है। चरणजीत सिंह चंडियाना जी हमेशा ही बच्चों गाइड करने लिए तैयार रहते हैं। माइक्रो ग्लोबल वालों वक् वक् स्कूल्स और कॉलेजेस दे विच कैरियर काउंसलिंग सैमीनार करवाए जाते हैं। बीते दिन माइक्रो ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ आयल्स एंड इमीग्रेशन सर्विसिज वालों हार्वर्ड कॉन्वेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल के कैरियर काउंसलिंग एक विशेष सैमीनार करवाया गया। इस मौके बच्चों ने बढ़ चढ़ के सैमीनार विच पार्टिसिपेट किया अते इस सैमीनार दा बढ़ चढ़ के लाहा लिया। आओ नज़र मारते हाँ इस दिया कुछ झलकियां ते। बच्चों अजकल जिहड़ा जमाना तुहानू पता सारा इमीग्रेशन दा और हर एक बच्चे की ख्वाहिश है कि मैं अब्रॉड जाके अपनी पढ़ाई करा। लेकिन वो आप देखते हैं अखबारों के भी सोशल मीडिया से भी बहुत सारे बच्चे इस करके परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने उन्होंने स्ट्रीम के मुताबिक किहड़े कोर्स चाहिए है किहड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज चाहिए वो नहीं मिल पाता। वो कारण यह होंगे कि उन्होंने प्रॉपर जानकारी नहीं होंगी और वो ऐसे एजेंट्स नूं मिल लेंदे जिन्हों आप भी खुद पता नहीं होंगे। जे असी अब्रॉड जाके स्टडी करनी है स्टडी करन तो बाद ये गल पक्की है कि असी उत्थे वर्क परमिट भी लैना उस तो बाद असी उत्थे पीआर भी लैनी है और उत्थे असी अपनी जॉब भी करनी है। लेकिन इन सारिया गल्लां दे विच सानूं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए ये सारा कुछ तुम्हें दसन वास्ते कि किस स्टेट के स्टडी कर रहे हो तुहाडे पास मैडिकल है नॉन मैडिकल है कमर्स है आर्ट्स है उस स्टेम के कंपेरेटिवली कि कोर्स लेने चाहिए। आम तौर पर की होंगे कि चार पाँच कोर्स है मैडिकल किया आ लै लो कमर्स है ए लै लो पर नहीं हर स्टेम के पंद्रह पंद्रह भी पच्ची पच्ची कोर्स ने जिन्हों के नाल सू उधर बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। वो सारा कुछ तुम्हें गाइडलाइन देने वास्ते दस वास्ते कि मैथ स्कोर चाहिए है किड़े किड़े सब्जेक्ट तुम्हें लाए हुए ने उन्होंने मुताबिक मिनीम रिक्वायरमेंट थोड़ी की है। साड़ी माइक्रो ग्लोबल की टीम विशेष करके डॉक्टर जसवीर सिंह जी जो कि जिन्हों का कि बड़ा लंबा तजर्बा है बड़ा वधिया तजर्बा है इमीग्रेसन के खेत्र के वो तुहाडे रूबरू होणगे ते तुहानू ये सारे कुछ दे विच सिर्फ अद्धे घंटे दे विच सारी जानकारी देणगे जी डॉक्टर जसवीर सिंह। थैंक यू बच्चों थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। स्पीक अ बिट लाउडली। गुड मॉर्निंग सर। दैट्स गुड। ऑलराइट सो माइक्रो ग्लोबल दी टीम दे वल्लों ते सरदार चरणजीत सिंह चंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइक्रो ग्लोबल आर्ट्स एंड इमीग्रेशन सर्विसेज स्पैशली अज का असं यह सैमीनार कंडक्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स नू एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जी है थोड़े नाल शेयर करन जा रहे हैं बिकॉज अज तो चार महीनों बाद थोड़े नाल की होने वाला वै तो उस तो बाद जाने कि असी की करना वै एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैगी है जिदे नाल तुसी हजे तक रूबरू नहीं हुए है। रीसेंटली की है कि हजे तक असी सिर्फ स्कूल दे विच आ रहे हैं असी एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन के बैठे हुए हैं। साडे लिए कंफर्ट जोन कि चल रहा है साडा स्कूल चल रहा है जिथे कि सानू पता कि असी मॉर्निंग दे विच आना वै आप दे क्लासेस नू अटेंड करना वै उस तो बाद टू ओ क्लॉक थ्री ओ क्लॉक सानू साडा यानी कि लैक्चर्स ओवर हो जाने एंड आफ्टर दैट गो बैक टू होम राइट। बट आफ्टर दैट की करना वै ट्यूशनस चल रही वै प्लस टू के एग्जाम्स की तैयारी करनी हैगी है तो इस तो बाद होर कुछ नहीं है राइट। हुण तक तुसी जिन्हें भी स्टूडेंट्स प्लस वन प्लस टू या टेंथ तो बाद विच स्पेशली मैं लगूंगा टेंथ तो बाद विच सारे दे सारे स्टूडेंट्स जिहड़े हैगे आ वो डिपेंडेंट रहे हैगे आ पेरेंट्स की जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आ लाइक जो पेरेंट्स नूं इन्फॉर्मेशन हुंदी है जां कोर्सेस चॉइसिस की हो जाती है जां स्कूल चॉइसिस की हो जाती है वो सारी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी हैगी आ तुसी डिपेंडेंट रहे हैगे आ पेरेंट्स के उत्ते राइट। जो पेरेंट्स ने कह दिता
कि मैडिकल स्ट्रीम चूज़ कर लो या नॉन मैडिकल स्ट्रीम चूज़ कर लो या कमर्स स्ट्रीम चूज़ कर लो, तुसी उसके अकॉर्डिंग तुसी अपने स्ट्रीम नू चूज़ कर लिया। स्कूल जिहड़ा उन्होंने सजेस्ट किया तुसी उस स्कूल चूज़ कर लिया। बट जिवें ही तुसी हुण प्लस टू करके स्कूल विचों बाहर निकलना है तो थोड़े सारयां दे विच एक रेस लग जानी है कि किहड़े इंस्टीट्यूट नू ज्वाइन किया जाए जित्थों अपना आयल्स कंप्लीट किया जाए, किहड़े कंट्री नू चूज़ किया जाए जिथे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड होवे, जिथे कोर्सेस की डिमांड होवे, ते प्लस किस तरीके नाल यानी कि उत्थे जाया जाए। बिकॉज अज जो स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए है मे बी उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स एह जे होंगे जेडे आयल्स ईजली क्रैक कर लेंगे, ईजली लाइक 7.5, 7, 6.5 ईजली क्रैक कर लेंगे। बट कुछ बेचारे मेरे अगर भी होने यानी कि जेडे किस तरीके दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, राइट। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉम मेडिकल स्ट्रीम? मेडिकल स्ट्रीम ओनली 2, 2, 3, 4 Yes, come on. Next. Nothing. Come on, stream the category students. So I can say like the sare entrepreneur jade hai ke haath mein kitna bhi baithe hue hai, right? All right. So from art stream all right. Ye sare the sare 6 not less than 5.5 wale hai. Right? So non medical stream wale bachche kitne? That's good. All right. So, एक बहुत ही नॉर्मल जा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल जा, राइट। वट इज गोइंग टू बी हैपन इन जस्ट 4 months? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कम ऑन, टेल मी। मेडिकल स्टूडेंट्स केड़े केड़े हैं? प्लीज रेज योर हैंड प्लीज। 1, 2 Yes, मेरे इस क्वेश्चन का कोई यानी कि पर्टिकुलर जवाब दे सकता है कि what is going to be happen in just next 4 months? Come on, tell me. Have you prepared your mind what you want to do after 4 months? 4 months left, right? मार्च के बीच थोड़े एग्जाम होने जा रहे हैं, अपीयर होने जा रहे हैं, PSC भी और CBSE, तो तुम तो सारे अवेयर होने चाहिए है कि यानी कि आफ्टर दैट सब नाल होने की वाला। एक बहुत ही ज़्यादा मैं थोड़ा इस चीज़ के लिए डराऊंगा नहीं, आई एम नॉट लाइक गोना स्केयर यू, बट यानी कि मैं थोड़ा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जी है वो थोड़े जरूर शेयर करनी चाहता। बेसिकली की है कि असी भी इस दौर के निकले हुए हैं, जो असं 10th करते हैं, प्लस टू करते हैं, प्लस टू करने तो बाद जो साडा दौर चल रहा है जिस टाइम पर असी स्टडी कर रहे थे दैट टाइम के उत्ते पेरेंट्स होते थे एंड वट एवर दे हैव डिसाइडड जा जे साडे प्लस टू वाले लाइक क्लासमेट्स होंगे सके जो कोर्सिस उन्होंने चूज़ किया आर्ट्स के चले गए, कमर्स के चले गए, सम ऑफ द स्टूडेंट्स मैडिकल स्ट्रीम के होंगे सके तो सारे अलग अलग हो जाते थे, राइट। असी ग्रैजुएशन के उत्ते अपना जोर लगाते थे कि BA, BSC, BCA इनू कंप्लीट करिए एंड आफ्टर दैट लाइक मास्टर लिए एडमिशन लीए, मास्टर करने तो बाद साढ़े लिए होर चॉइसिस आ जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अपलाई करिए, राइट। बट उस तौर के यानी कि साडा सारा जोर लगता हों कि असी आपकी स्टडी को प्रॉपर करिए, बट दैट टाइम के उत्ते असी सारे के सारे डिपेंडेंट होंगे सके पेरेंट्स के उत्ते, प्लस जो सारे टीचर साढ़े मैंटर्स होंगे सके कॉलेज के बच्चे यानी कि उन्होंने उत्ते कि वो सानू की इनफॉर्मेशन दे रहे हैं, सानू गाइड कर रहे हैं कि असी फरदर लाइफ के की करना, कि कोर्स लेना वा, उस तो बाद असी की कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जोड़े है प्रपेयर करते अपने आप को, बट की तुम हूँ देखिए कि कोई भी स्टूडेंट आफ्टर प्लस टू ग्रैजुएशन के एडमिशन ले रहा, ले रहा कोई? तो अपना भी फिर सारे का प्लैन यही होना वा कि यानी कि आप किसी ना किसी तरीके अब्रॉड देख लिया जाए, राइट।
माइक्रो ग्लोबल या सर्विसेज के बच्चे यानी कि थोड़ा एक चीज़ क्लीयर करते हैं वैदर यू हैव आयल्स और नॉट साढ़े को सारे कंट्रीज़ अवेलेबल है वै कि जड़िया थोनू एडमिशन भी देनगियाँ प्लस थोड़ा वीजा भी दे बट इफ यू आर सेइंग के सर मैं विदाउट आयल्स कैनेडा जा सकता वै सो आई विल से नो इफ यू आर सेइंग सर मैं किसी कंट्री में जा सकता है वै दैट कंट्रीज आई हैव बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो ही असी अपना प्लस टू करके इतों निकलते हैं तो साड़िया केड़िया रिक्वायरमेंट्स है मैं जिन्हों के नाल असी कॉलेजेस के आपदे आप इनरोल कर सकते हैं एडमिशनस के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट्स की होनगियाँ प्लस एक फेस असी करना है वै अंबैसी कॉलेजेस के एडमिशन लेना लैन का प्रोसैस जोड़ा होंगे वै सिंपल प्रोसैस है बट अंबैसी के वीजा लैन का जो प्रोसैस होएगा वो एक डिफरेंट प्रोसैस होएगा कॉलेजेस तुम्हें एडमिशन दे देगा साढ़े हूँ तो स्कूलों भी यह चलता है वै कि लाइक इफ यू आर गैटिंग अ लैस स्कोर इन योर इलेवंथ क्लास अगर प्लस वन के साथ लैस स्कोरस आ जाते हैं तो भी साड़ी एडमिशन सानू प्रमोट कर दिया जाता है वै कि चलो तुम प्लस टू के चले जाओ राइट सो दैट यू कैन प्रपेयर योर सैल्फ तुम आपके आप प्लस टू के लैके आपके आप थोड़ा होर प्रपेयर करो तो आपकी जोड़े स्कोरस है उन्होंने कंप्लीट करो बट सेम थिंग विल बी हैपन विद द कॉलेजेस कॉलेजेस के यानी कि अगर थोड़े स्कोर घट हो फॉर एग्जाम्पल तुम प्लस टू के 49% स्कोर लै लें है या 55% तक भी स्कोर लै लें है कॉलेजेस तुम्हें एडमिशन दे देंगे बट अंबैसी ने वीज़ा नहीं देना अंबैसी का रूल्स एंड क्राइटीरिया जोड़ा है वो डिफरेंट है कॉलेजेस के नालों बिकॉज अंबैसी ये चीज़ देखती है कि किन्ने स्कोर तो किन्नी एलिजिबिलिटी ही थोड़ा कैनेडा के ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड एंटर करवाया जाए बट कॉलेजेस की डिमांड सिर्फ ये होंगी हैगी है कि सानू स्टूडेंट्स दिता जाए असी स्टूडेंट्स को ऑफर लैटर इशू करेंगे उन्होंने वीज़ा मिलता नहीं मिलता है इस नाल साडा कोई तालुक नहीं है सो दिस इज़ दे है कि आज दे विचों स्कोर नहीं आ रहे लैट्स गो फॉर द पीटी बट यानी कि उन्होंने इनफॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि पीटी का यानी कि इस वक्त जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है रिफ्यूजल्स ज़्यादा आ रही है सो उन्होंने स्टूडेंट्स यानी कि सब तो पहला जे आपके आप प्रपेयर ही कर रहे हैं तो आपके आप प्रपेयर करो आयल्स के सिक्स ईच नॉन मैडिकल के स्टूडेंट्स ईजली दे कैन गैट द स्कोर नॉन मैडिकल मैडिकल के कमर्स के ईजली गैट कर लेंगे बट कितने ना कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो है अ लिटल बिट प्रॉब्लम दे विल फेस हो सकता है कि उन्होंने एक बार अपीयर होना पवे हो सकता है सैकेंड टाइम स्कोर कर लैन हो सकता है कि फस्ट अटैम्प्ट ही तुम अपना कवरअप कर लो राइट थोड़े अगे चॉइसिस जी है कैनेडा के प्लस ना अदर कंट्रीज देर इज अ वन टर्म दैट इज लाइक यूजिंग दैट इज अ सबबैटिकल टर्म सबबैटिकल टर्म होंगी है कि जो भी तुम कि अपनी टेंथ या अपनी प्लस टू करते हैं गवर्नमेंट थोड़ू वन ईयर का टाइम पीरियड दी हैगी है कि जस्ट प्रपेयर योर सैल्फ फस्ट कि तुम कि कोर्स करना चाहते हैं तो किस कंट्री जाना चाहते हैं आपने आप पहले प्रपेयर करो After that, you can decide and after that, you will get the enrollment. You see, you have to prepare for that course. You have to choose the course, you have to choose the course. But, in 1 year, if we have a sabbatical term, then in 1 year, we will have everything in 1 year. There are a lot of students who have 6 months enrolled in Canada, and there are a lot of students who have been sitting here. वो कहते ना कहते कोई ना कोई डिप्रैशन चला जाएगा कि उनका वीज़ा लग चुका है मेरा वीज़ा नहीं लगे है सो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल फेस तो अगर आप प्रॉब्लम्स को दूर करना वै तो सब तो पहला यानी कि जो मेन क्राइटीरिया है उन्होंने आप फॉलोअप करिए राइट सो फर्स्ट थिंग इज दैट हाउ मच स्कोर्स यू नीड कम ऑन टेल मी 60% इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू गेट ऑलराइट सो फॉर कैनेडा मैनू आयल्स दे विचों स्कोर करना चाहिए 6 ईच बैंड स्कोर इज मस्ट तुसी वध लै लैने 6.5 लै लैने हैगे 7 लै लैने हैगे दैट इज़ रियली गुड कि थोड़ा थोड़े इनरोलमेंट थोड़े वीजा के यानी कि थोड़ा बहुत ज़्यादा बिकॉज देर इज़ अ वन कैटागरी इज़ गोइंग ऑन दैट इज़ अ स्टूडेंट डायरैक्ट स्ट्रीम जी कैनेडा के चल रही हैगी है जिस यानी कि जोड़ा भी बच्चा 6 ईच बैंड स्कोर लै रहा वै तो जे बच्चे 60% मार्क्स है दे कैन इनरोल दैमसैल्फ आपके आप इनरोल करने तो बाद यानी कि उन्होंने को 40 डेज़ का टाइम पीरियड होंगे जिस थोड़ा वीज़ा इशू किया जाता है
ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅਬਵ ਹੁੰਦੇ ਆ 6.5 ਹੁੰਦੇ ਆ 7 ਪੈਂਟ ਸਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਵਿਦ ਇਨ ਅ 10 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੇਅਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਔਰ ਅਗਸਤ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਇਨਟੇਕ ਚੱਲਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਪਟੰਬਰ ਸਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਟੇਕ ਚੱਲਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਜਨਵਰੀ ਰਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਟੇਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਈ ਸੋ ਤਿੰਨ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪਟੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਮਈ ਬਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਮੇ ਬੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਲਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂ ਵਿਲ ਫੇਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਆਪਦੇ ਕੰਫਰਟ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਕੰਫਰਟ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਫੇਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੇ ਬੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ ਬਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਈਲਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਿਲਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਲਾਈਕ ਮਾਈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇ ਬੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਸਟ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਮੋਗਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਫੇਸ ਹੋਵੇ ਦੈਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਮੇਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ 60% ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ USA ਜਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 2022 ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2023 ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਵੋਗੇ 2023 ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਜਾਂ PT ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੇ USA ਦੀਆਂ 256 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਓਪਨ ਫੋਰ ਯੂ 256 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ USA ਦੀਆਂ ਤਾਂ 43 ਕਾਲਜਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਓਪਨ ਫੋਰ ਯੂ ਇਨ ਦਾ UK ਐਸ ਵੈਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਇਲਸ ਔਰ PT ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਸ ਅਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ ਯੂ ਕੈਨ ਫੋਲੋ ਦਾ ਪੇਜ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਮਾਈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਪੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਟ ਆਲ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਆਫਿਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖਿਓ ਪਲੱਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਨੋਟਸ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਰ ਆਫਿਸ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਲਰਾਈਟ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਅਸ
कवर। हाँ जी राजे प्लीज। कम ऑन टेल मी। ऑलराइट सो वाइंड अप कर रहे हैं, इज इट फाइन? ऑलराइट ओके थैंक यू वेरी मच। काफ़ी मैं सुनने के लिए मैं भी काफ़ी टाइम तो बोले जा रहा है मे बी वैसे यानी कि ये एक इंफोमेटिव जी एक नॉलेज सी यानी कि जी थोड़ा प्रोवाइड की जा रही है बिकॉज यानी कि आने वाले चार महीनों के यानी कि तुम अपने आप को प्रिपेयर करना वा तो मैं पता बहुत सारे स्टूडेंट्स जोड़े है बहुत सारिया प्रॉब्लम्स जोड़िया है फेस आउट कर रहे हैं सोडे लिए प्रिपेयर किया है सारी इन्फॉर्मेशन दी है अगर फिर भी थोड़ा कोई क्वेश्चन हो गए इफ यू वॉन्ट टू टॉक टॉक टू मी डायरैक्टली तो तुम माइक्रो ग्लोबल के उत्ते वैबसाइट को विजिट कर सकते हैं फेस पेज पेज को विजिट कर सकते हैं तो थोड़ा सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी राइट विल ट्राई के जो तुम आपके आप प्लस टू के इतों निकलना है विल ट्राई कि एक बार थोड़े को दोबारा फिर विजिट किया जाएगा थोड़ा रिमाइंड करवाया जाएगा कि तुम हूँ कि पाथ केड़ा करियर चूज करना है वह ताकि कित भी कोई गलत स्टैप ना चको जो टारगेट हैगा वह तुम उस टारगेट पर आपके आप को लेके जा सको। ऑलराइट इज इट फाइन? फाइन दैट्स गुड। काफ़ी लंबे टाइम तो एज अ सोशल सर्विस वर्कर तो प्लस यानी कि पोलिटिकल लैवल पर भी यानी कि इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स प्राप्त की हुई एंड मेरे नाल यानी कि मेरे टीम मैंबर है गुरमुख सिंह जिहड़ा कि मेरा सारा सोशल मीडिया का वर्कआउट जिहड़ा हैगा वह सारा संभाल रहे हैं प्लस नाल मैनेजर हैगे है जिहड़े माइक्रो ग्लोबल के सारिया सेवावां दे रहे हैं इन्हों का ओवरऑल हैगा वह कि सारे बच्चों को अटेंड ये करते हैं बच्चे ने क्वेरीज जिहड़ियां हुंदियां वो देखते हैं कंट्रीज जिहड़ियां हैगियां वह यूके ते ऑस्ट्रेलिया ये सारी कंट्रीज यही डील करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी हैगी तुहानू दे सकते हैं।